हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। क्या आप जानते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, थायराइड, लिवर प्रॉब्लम एंड इवन कैंसर, ये सब इतना कॉमन क्यों हो गया है? द सीक्रेट लाइज इन आवर किचन। यस, सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपको अपनी किचन से बाहर फेंक देनी चाहिए राइट नाउ, क्योंकि यही सब चीजें हैं the problem behind these problems. So, let's get started. Point number one. The most important, or I would say सबसे dangerous, is the non-stick cookware. 90% of urban homes के अंदर cooking के लिए use किए जाते हैं non-stick cookwares. Non-stick cookwares जिन पे होती है PTFE, मतलब polytetrafluoroethylene या teflon coating. और माना जाता है कि ये कोटिंग इतनी हार्मफुल होती है कि ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं रिलेटेड टू ब्रेन एंड लंग्स। और अगर आप इन कुकवेयर्स पे खाना बनाते हैं तो धीरे धीरे खाना लीचेस इनटू द फूड। और अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अपना नॉन स्टिक पैन ऑन करिए फुल फ्लेम पर, और थोड़ी देर में जब उसमें फ्यूम्स आने लगे तो उसको टेस्ट करिए, तो आप पाएंगे कि उस फ्यूम के अंदर देयर विल बी हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। सो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज कि आपको स्विच करना चाहिए फ्रॉम नॉन स्टिक टू कास्ट आयरन। पॉइंट नंबर टू इज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में एल्यूमिनियम पहुंचा कैसे? बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी चीप, एल्यूमिनियम इज अबंडेंट, और इसको बहुत कन्वीनियंट होता है मेंटेन करना। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जेल में खाना वाज सर्व इन एल्यूमिनियम, क्योंकि माना जाता था कि एल्यूमिनियम इज अ स्लो पॉइजन जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता है और आपके लिए लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनीज, लंग्स एंड वॉट नॉट। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक एल्यूमिनियम का वेसल लीजिए और उसका वेट करिए और 3 to 4 years उसे डेली यूज करिए, और अब इसके बाद दोबारा इसका वेट करिए, तो आप देखेंगे कि वेसल का वेट पहले से बहुत कम हो चुका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट करने पर वो मेटल आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया है, और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और इसका सलूशन है कि हमें स्विच करना चाहिए फ्रॉम एल्यूमिनियम टू स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज फ्री फ्रॉम एनी डेंजर्स जो एल्यूमिनियम में पाए जाते हैं। सो द हेल्दी वे आउट इज स्विच टू स्टेनलेस स्टील। नंबर थर्ड पॉइंट इज एल्यूमिनियम फॉयल। हम सबके घरों में एल्यूमिनियम फॉयल का यूज होता है गरम गरम खाने को पैक करके और डब्बे में डालने के लिए, पर क्या आप जानते हैं कि ये कितना हार्मफुल है? अकॉर्डिंग टू WHO, 50 मिलीग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ही सिर्फ परमिसेबल लिमिट है कंजम्पशन के लिए, और जितनी बार भी हम एल्यूमिनियम के कॉन्टैक्ट में कोई भी चीज लाकर और उसे कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर 1 to 2 milligram एल्यूमिनियम आ जाता है। और जब आप किसी भी गर्म चीज को एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर रखते हैं तो उसके सारे केमिकल्स आपके फूड में भर जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप हेल्दी से हेल्दी खाना भी खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा? नहीं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर रैप था। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी जिंक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। और हमारी बॉडी के लिए जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं और अगर हम अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एल्यूमिनियम इस प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम फॉयल की जगह आपको यूज करना चाहिए या तो कोई कॉटन क्लॉथ या बटर पेपर। पॉइंट नंबर फोर इज प्लास्टिक बॉक्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स। हम सबकी किचन्स में बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस यूज होते हैं, या हम पानी पीते हैं प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर।
क्या आपको पता है कि ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं? क्योंकि ये बने होते हैं एक टॉक्सिक मटेरियल से जिसे हम बोलते हैं BPA या बिस्फिनॉल ए। आजकल मार्केट में बोला जाता है BPA फ्री, बट वो उसके अंदर बिस्फिनॉल ए की जगह BPS दैट इज बिस्फिनॉल एस का यूज करते हैं, विच इज इक्वली टॉक्सिक, और ये बहुत हार्मफुल होता है और इफेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को, हमारे हार्मोन्स को, एंड नंबर थर्ड ये हमें ओबीस या मोटा बना सकता है। यू नो हाउ? आइए समझते हैं। जब हम गरम गरम खाना किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालते हैं तो उससे जो टॉक्सिक रिलीज होता है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को बढ़ाता है और उससे फैट सेल्स बनते हैं और उसके वजह से प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी होती है एंड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमें प्लास्टिक डब्बा की जगह यूज करने चाहिए ग्लास के या स्टेनलेस स्टील के बॉक्सेस। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऐसी चीज जिसे हमें अपने किचन से राइट अवे हटा देना चाहिए इज रिफाइंड ऑयल। यस, आपने सही सुना है, जिसके अंदर हम अपने पकौड़े और अपने और स्नैक्स को फ्राई करते हैं। रिफाइंड ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? लेट्स लिसन टू दिस वन। तो रिफाइंड ऑयल का नाम रिफाइंड ऑयल क्यों होता है? क्योंकि उसे रिफाइंड किया जाता है जब उसे हम बनाते हैं। तो इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में उसे रिफाइंड किया जाता है एसिड से, डियोड्राइज किया जाता है क्योंकि जब ये प्रोसेस चलता है तो उसके अंदर से बहुत स्मेल निकलती है, तो उसे डियोड्राइज करके उस स्मेल को हटाया जाता है थ्रू केमिकल नोन एज हेक्सेनॉल। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो आपके पास रिफाइंड ऑयल पहुंचता है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। तो रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि अगर हम इसका यूज ज्यादा समय तक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट एंड कैंसर ये सब हो सकती है। बिकॉज जब रिफाइंड ऑयल को हाई लेवल पर हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है ट्रांस फैट में, और आप सब जानते हैं कि ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिफाइंड ऑयल यूज करें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जरूर सोचिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू द मस्टर्ड ऑयल। हमें सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम होता है। तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्राई करने लगे तो आपको कौन सा ऑयल यूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में लगाएंगे तो आप फील करेंगे कि यू आर मोर हेल्दियर एंड हैप्पियर। और